मैं रणबीर धनखड़ और भाई आप देख रहे हो हरियाणा संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। मैं आज हूँ भाई अपना जो घग्घर नदी के किनारे और इस साइड में 21 के बीच के अंदर स्थित गो वंश जो सेवा धाम है इसके अंदर हूँ। और आगे मैं बताऊँ कि सिर्फ जो बीमार गाय हैं उनको रखा जाता है। और आज हमारे साथ में सर अपना परिचय दो। मैं जी गोवन टीम का हिस्सा हूँ, मेरा नाम संदीप अग्रवाल है जी। और बस यही सेक्टर 23 में गौ माताओं के ने जैसे रेस्क्यू टीम जो है उसको मैं देखता हूँ। सारी जो गौ माताओं की रेस्क्यू करनी है 24 आवर्स, वो टीम जो है चारों गाड़ियाँ सारा स्टाफ डॉक्टर्स वो मैं देखता हूँ। सर एट प्रेजेंट यहाँ पे कितने गौवंश होंगे? सर यहाँ पर होगा जी लगभग 1600 के करीब जी। मतलब 1600 गौवंश है सर। सर ये गौवंश के लिए जो जो खाने पीने का जो व्यवस्था ये सर कहाँ से की जाती है? सर ये सर ऐसे है जी, सारा समाज साथ लगा हुआ है और रोज़ लगभग हमारे 5 ट्रालियाँ लगती हैं चारे की जी। तो सर चारा तो मतलब कि मान लो कि जब लकड़े हैं अप्रैल मई के अंदर उसे टाइम पर मेरे ख्याल से लिया गए हैं, उसके बाद में तो जब जमींदार उसने ओबराम भर ले है तो मेरे ख्याल से उड़े तो देना तो उसके लिए मुश्किल हो जाए। तो जब खरीदे स्टार्टिंग में आप लोग कितना स्टॉक करते हो यहाँ पर? जी हमारे पास लगभग 6 महीने का स्टॉक है जी तूड़ी का। साल का स्टॉक था लेकिन 3-4 महीने तो निकल चुके हैं। 6 से 7 महीने का तूड़ी का स्टॉक हमने रिजर्व रखा हुआ है। हमारे पास चोकर है वो लगभग हमारे पास 5 हज़ार कट्टे हैं जी। और रूटीन हमने बना रखा है जिससे हम लेते हैं उसको कह रखा है कि 1 महीने लगभग रोज़ के हमारे 20 कट्टे लगते हैं जी। 600 कट्टे महीने के लगते हैं जी हमारे चोकर के जी जो मिक्स करते हैं। चारा है, चारा हमारे साथ कॉन्टैक्ट हैं जी सारे किसानों का जी, उनसे हम डेली खरीदते हैं जी। चारा मतलब जो किसान है हरा चारा है वो आपने कॉन्टैक्ट किया हुआ है? मतलब कोई फ्रीम भी गिर गया है कि पेमेंट का? नहीं, सारे सारा पेड़ देते हैं जी जिसकी सेवा होती है। सेवा ऐसे है जी गौ माता के लिए तो समाज बहुत जुड़ा हुआ है। वो अपने आप कोई कहता है मेरी 1 ट्राली, कोई कहता है मेरी 2 ट्रालियाँ होगी। रोज की अपने आप व्यवस्था गौ माता अपने आप बना लेती है जी। पर यह है जी सारा समाज बहुत बढ़ चढ़ कर गौ माता की सेवा में अग्रसर है। तो ये भाई भाई जितनी सेवा करना रहे हैं उसके मुकाबले जल में चलना शायद मेरे लिए भी एक गौ माता की सेवा करने के बराबर ही होगा। अगर आप यहाँ देखे तो ये ICU वार्ड बनाया गया है यहाँ पे जो गौ माता है जो बीमार होती हैं, जो मतलब जिनकी हालत ख़राब होती है उनको यहाँ पे रखा जाता है। जी डाला ICU वार्ड हमारे हॉस्पिटल में वो है, उस तरह से इन भाइयों ने यहाँ पे वार्ड बना रखे हैं। यहाँ अगर देखे तो मैं देखूँगा ये इन्होंने लिखा है 3 पैर वाली जो गाय माता है जिनके 3 पैर हैं या 2 पैर हैं इस तरह का जो गौवंश है उसको यहाँ पे रखा जाता है। मतलब एक सिस्टम यहाँ आप देखोगे, देखो इसके उस साइड में अगर देखा जाए तो वहाँ पे घग्घर नदी बह रही है, जो आपको बैंक नज़र आ रहा है ये मतलब कि बांध जो नज़र आ रहा है उसके उस साइड में घग्घर आ रही है। यहाँ देखिए गौवंश के मतलब पैरों के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो ये 3 पैरों वाली गौ माता है यहाँ पे इनको रखा गया है। और इस साइड में मेरे ख्याल से जो गौवंश है जो स्वस्थ गौवंश है उसको यहाँ पे रखा जाता है। और इस साइड में आप देखिए ये भी एक हॉस्पिटल की तरह उसी थीम पे बना रखा है, अत्यधिक घायल यानी कि जिस नाम है के बोल रहे अगर एमरजेंसी वार्ड के तौर पर इस तरह की जो गाय हैं जो ज़्यादा घायल हैं उनको यहाँ पे इस वार्ड के अंदर रखा जाता है। इधर मैं आपने फिर बताऊँ लग रहा था कि ये जो गौवंश है ये सारा का सारा इस साइड में जो गौ माता हैं जो स्वस्थ है जो गौ माता हैं उनको रखा गया है। एक और हमने देखा होगा कि हमारे जो बुढ़ों के लिए आजकल रखने तो घर में चाहिए लेकिन उनके लिए भी आजकल एक वृद्धाश्रम बना रखा है यहाँ पे। इन भाइयों ने देखे जो बुजुर्ग जो गौ माताएँ हैं जो गौ माता मतलब कि किससे काम की नहीं होती, रेक और आग नहीं सुनी होगी ना आगे कड़वा करके मतना बेच किसान मने, तो उन डाल के जो बिल्कुल बूढ़ी जो गौ माता होती हैं उनको रखने के लिए यहाँ पे इनके द्वारा ये वार्ड बनाया गया है। तो मैं आपने बताऊँ लग रहा थोड़ी देर पहले कि इसके उस साइड में घग्घर नदी है और इस साइड में ये अपनी गौशाला स्थापित है। देखिए यहाँ पे इनके द्वारा जो लोकल जो इनका प्रशासन है जो भी आप मान लो कि संस्था है इनके द्वारा पानी की पूरी निकासी। सर आप थोड़ा ये तो बता दो कि चारों ओर ने जब जल भराव हो रहा है ऐसे के अंदर आपके द्वारा ये व्यवस्था कैसे की गई कि गौ माता के नीचे पानी नहीं है? ऐसे है जी ये जो काम किया है सारा समाज ने किया है। हमारे पास मशीनें नहीं थी, 3 दिन पहले 3 मशीनें आ गई, समाज की तरफ से आया सारा सामान। जो भी सामान आता है लोग आते हैं, गौ सेवक आते हैं, गौ भक्त आते हैं और देखते हैं कमी है तुरंत उस सामान को भेज देते हैं। सर गौ माता के लिए आप लोगों ने अलग अलग यहाँ पे वार्ड बना रखे हैं,
तो उसके लिए तो स्वभाव की बात है भाई, जो बीमार है कैंसर हाँ, वाली अलग है, जो घायल है उनकी दवा दारू का अलग है, वो कहाँ से सर आप ऐसे है जी? ये सारा समाज कर रहा है, हमने क्या कर रखा है, जैसे हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं, अब जैसे कल घग्गर के अंदर 25 गौ माताएं फंस गई थी, मतलब कि जो भाई जो बताना रहे हैं इसके अनुसार घग्गर अपने प्रवर जो वेग के ऊपर है उसके कारण 25 गौ माता वहाँ उड़े फंस गई थी। नहीं नहीं, किसी मुसलमान की थी वो 25 गौ माताएं, जो दूध निकालता था वहाँ छोड़ देता था, उसके बाद किसी से काम नहीं हुआ तो हमें बुलाया गया, तो हमारी टीम ने जाके वो 25 की 25 खुद अपने आप निकाल के और वो हम अपने गोवन यहाँ गोवन में ले आए। मतलब कहने का मतलब वो गाय किसी भाई ने अपने दूध निकालने के लिए रख रखी थी, लेकिन जब बाढ़ ज़्यादा आ गई तो वो अपनी जगह छोड़ गया, गौ माता ने उड़े छोड़ गया, उन्हें आप लेकर के आए बांध का छोड़ गया वहाँ पर बीच में गग्गर के बीच में। गग्गर के बीच में ये वो रिजर्व है, वहाँ पे आप जाकर देखोगे लास्ट में तो वो बिल्कुल सूखा है, वहाँ पे उसको थोड़ा हाइट में रखा गया है, अगर किसी कारण ज़्यादा पानी यहाँ पे आ जाता है तो उसके लिए रिजर्व स्थान यहाँ पे रख रखा है। तो ये सर कौन सी जगह है? ये गोवन है जी। तो आप देखो भाई, देखो ये सामने आप देखो, मैं आपने बताऊं था ये जो रोड है, ये रोड है सेक्टर 21 से लेकर के और अपना माधवी चौक को कनेक्ट करता है, यानी कि 23 को जो कनेक्ट करता है। ये देखो कितना हाइट है यहाँ पर, उस साइड में पीछे देखेंगे तो आप पछे भी भाइयों दिखना है, आपने इसके पीछे घग्गर है, उसके नीचे कितने नीचे के अंदर ये अपने गोवंश के लिए इन भाइयों ने ये जगह बना रखी है। अरे 4 दिन तक जो मीह बरसने आ रहा है उसके बावजूद भी देखो भाई अड़ा पानी कौन है, लोग ये घर पानी भर गया। सर ये इस तरह की व्यवस्था आपके द्वारा कैसे की गई कि यहाँ पे गोवंश ये सब? यहाँ पर साक्षात माता भगवती बैठी है, वो अपने अवस्था बनाती है जी। यहाँ पर तो पानी जो आता भी सूख जाएगा। सर भगवान तो मी एक जैसा हर एक जगह बरसावा है, अड़ा जब मी पर भगवान तक भगवान ने न्यू तो ना करा, अड़ा गौ माता है चलो भाई जगह मैं थोड़ा कम घेरूंगा रोड फालतू की, तो आप पड़ा तो अड़े भी है पानी, वो पानी का ढंग निकासी है क्यों कर जी? हमारे पास 3 ट्यूबवेल्स हैं बड़े बड़े, हम उसके साथ सारी पानी को बाहर फेंक रहे हैं, बाहर मतलब घगर में ड्रेन कर देते, घगर में ड्रेन कर रहे हैं जी, उसको सुंडका लगा के हमने पानी घगर में कर दिया सारा सारा का सारा पानी जी। अभी लगी हुई है टीम में हमारी, अब दोबारा 3-4 घंटे के अंदर सारा पानी बाहर कर देंगे। सर थोड़ा आप मेरे बताओगे कितना स्टाफ यहाँ पर रखा हुआ है? यहाँ पर है जी 75 बंदों का स्टाफ। 75 बंदों सर, सभी के सभी स्वयं सेवक हैं या सैलरी पे भी हैं? नहीं जी, यहाँ पर सैलरी पे भी हैं और स्वयं सेवक भी हैं जी। मतलब सैलरी पे कितने होंगे सर? सैलरी पे होंगे जी यहाँ पर 50 के करीब जी। 50 के करीब, तो सर आप देखो कि 50 आदमी की सैलरी है तो मेरे ख्याल से गोवंश भी शायद कई हजारों की संख्या में यहाँ होगा, तो डेली का अगर खर्चा देखा जाए। ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है यहाँ पे, ये गौ माता का हॉस्पिटल है, यहाँ से हम 24 घंटे रेस्क्यू करते, वो बीमार गौ माता है उनको लेके आते हैं, यहाँ कोई स्वस्थ गौ माता नहीं है, स्वस्थ तो हमने कर दी। अच्छा आप लोगों ने जो सर जो स्वस्थ कर देते हो? हाँ वही तो इधर आ जाती हैं, फिर उसके बाद में कहाँ पे जाते हैं? इधर ही रहते हैं, 4 हमारे पास डॉक्टर हैं जी जो परमानेंट, 1 सरकारी डॉक्टर है जी, उसके बाद जी जो हम यहाँ पर सारी रेस्क्यू करते हैं, हमारा बरवाड़ा हो गया, उसके बाद आपका रायपुरानी हो गया, अपना पंचकुला हो गया, कालका हो गया, पिंजौर हो गया, ये सारी के सारा हम रेस्क्यू करते हैं 24 घंटे, हमारे पास यहाँ 4 हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं। सर मैं आपकी हर एक बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन उसके लिए एक बजट भी तो सर उतना अवेलेबल होना चाहिए, मेरे ख्याल से इस महीने का लाखों का बजट होगा। ये हमारा जी जो रोज का खर्चा है वो 2-1 लाख रुपये है जी। हाँ वही तो बोला, 2 लाख रुपए रोज का खर्चा हो गया तो देखा जाए तो 60 मतलब टोटली पैसा जो आ रहा है सारा समाज से जी, जो गो सेवक हैं जो गो भक्त हैं उनके द्वारा पूरे पूरा समाज लगा है जी। 10 महीने के अंदर यहाँ लगभग 50,000 बंदा जुड़ गया है जी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, जैसे कल हमारा रेस्क्यू करना था, हमारा सारा सिस्टम व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है, डिजिटलाइजेशन है सब कुछ, वो ग्रुप में डालते हैं, लोकेशन डालते हैं, हमें फ़ोन करते हैं तो हमारी टीम वहाँ उनको गौ माता को रेस्क्यू करके ले आती है। मतलब एक आपने ग्रुप क्रिएट कर रखा है? 4 हैं जी हमारे पास, जिसके अंदर 1024 बंदे हैं जी, 1024 बंदे जो स्वयं सेवक हैं आपके साथ में जो जुड़ रहे हैं, और वो ही लगभग 5-1 हज़ार परिवार है। और इस साइड में आप देखो तो ये भाई छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए, अच्छा ये जो पानी भर गया यहाँ पे इसके कारण इनको वहाँ पे जो रिजर्व में वहाँ पे इनको सर किया जाए। सर एक चीज़ और बताओगे मेरे को कि जो गौ माता ठीक हो गई जो दूध दे हैं तो दूध का सर इस्तेमाल करें कहाँ पे करें? ऐसे है जी गोवन जो है आज तक उसने कभी दूध नहीं बेचा, जो भी हमारा दूध निकलता है, जिनको कोई बीमार होता है कोई बच्चा दूध नहीं पता हम फ्री में देते हैं। देखिए ये थी एक विशेष रिपोर्ट सेक्टर 23
गोवन धाम पंचकुला से। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जय राम जी के सबको।